जेडीए ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जेडीए का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और ये अभियान आज से शुरू हुआ है जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे जिसमें थड़ी ठेले आदि के अस्थायी अतिक्रमण हटेंगे। अभियान की शुरुआत गोपालपुरा मोड़ से हुई। पहले दिन गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक 3 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। 16 जुलाई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से श्याम नगर थाने होते हुए अजमेर रोड तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 18 जुलाई को जयपुरिया अस्पताल से SL मार्ग होते दुर्गापुरा फ्लाईओवर तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को वैशाली नगर में नेशनल हैंडलूम और इसके पीछे नर्सरी सर्कल, गुप्ता स्टोर, वैशाली सर्कल से खातेपुरा तराहे तक भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 20 जुलाई को मालवीय नगर फ्लाईओवर से प्रधान मार्ग तक, 22 जुलाई को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही 200 फीट बाईपास तक के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को समीक्षा बैठक ली और बैठक में इस बारे में निर्देश दिए थे कि अभियान में 51 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी है? लगातार UDH मिनिस्टर के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जेडीए की ओर से। देखिए, बिल्कुल, जयपुर विकास प्राधिकरण अब लगातार अवैध निर्माण जो है उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस तरह से कल एक अभियान की शुरुआत के संकेत दे दिए थे कि हम 15 दिन तक जो जयपुर शहर में स्थायी और अस्थायी अवैध निर्माण कर रखे हैं उनको हटाने का काम करेंगे, तो वही नजारा अब जयपुर शहर में देखा जा रहा है। गोपालपुरा से लेकर गुर्जर की थड़ी तक के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी थी और अभी भी कार्रवाई जारी है। लगभग 500 मीटर दूरी तक के का जो अवैध निर्माण है वो हटा दिया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो गोपालपुरा से लेकर गुर्जर की थड़ी तक आम जनता परेशान होती थी, कई बार लंबे जाम लग जाते थे, तो उसी को देखते हुए आम जन जब पैदल चल रहा था काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में दुकानदारों ने दुकानों के आगे जो स्थायी अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उसको पूरी तरह से हटाया जा रहा है। जेडीए के जो मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी है महेंद्र शर्मा की देखरेख नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद है। हालांकि बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का व्यापारियों की तरफ से ना जनता की तरफ से कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है और लगातार अभी भी गोपालपुरा क्षेत्र है उसमें कार्रवाई जारी है। और आज का जो कार्यक्रम बताया है जेडीए ने कि हम गोपालपुरा से लेकर मोड़ से लेकर गुजर की थड़ी तक का जो अवैध निर्माण है उसको हटाएंगे, क्योंकि ये 15 दिन का है और 15 दिन तक कार्रवाई होगी। उसके बाद में जो सरकारी संपत्ति जमीन है उस पर पूरी तरह से चिन्हित कर रहे हैं, उसके बाद सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से UDH मंत्री जावर सिंह खर्रा ने जब अधिकारियों की बैठक ली तो बैठक में जावर सिंह ने कहा कि पूरी तरह से सख्ती से काम करें और आने वाली 27 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें पूरी तरह से फीडबैक लिया जाएगा। और उसी को देखते हुए जेडीए के तमाम जो अधिकारी वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ये जो आज की जो अभियान की शुरुआत की है इससे काफी कुछ राहत जयपुर शहर की जनता को मिलेगी। मलखान, 31 जुलाई तक कार्रवाई होनी है और लगातार हमने दर्शकों को ये भी बताया कि कहां कहां कौन कौन सी तारीख को कार्रवाई होना प्रस्तावित है, लेकिन एक विस्तृत जानकारी दर्शकों के लिए कि 31 जुलाई तक कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लगातार ये कार्रवाइयां होनी है। देखिए, बिल्कुल मनीषा, इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज जो ये गोपालपुरा मोड़ से गुजर की थड़ी तक होगी जिसमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है, उसके बाद में 16 तारीख को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन श्यामनगर थाने के आगे से होगी, अजमेर रोड तक चलेगी करीब, उसमें भी 4 से 5 किलोमीटर का है। उसके बाद में वैशाली नगर है, मालवीय नगर है, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा है, 200 फीट बाईपास है, उसके बाद रामनिवास बाग से घाट गेट, आगरा रोड, गुणी, दिल्ली रोड, ईदगाह, ट्रांसपोर्ट नगर, उसके बाद में सांगानेर सर्किल से के चौराहे से पेट्रोल पंप, मालपुरा गेट, सवाई माधोपुर, टूटी पुलिया और झारखंड महादेव तिराहे के क्वीन रोड से खातीपुरा के तिराहे होते हुए SMS हॉस्पिटल से नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जेके लोन, बांगड़ हॉस्पिटल और गोपालपुरा बाईपास से रामबाग के करीब 4 से 5 किलोमीटर के, यानी कि कुल मिलाकर 15 दिन की जो कार्रवाई है ये तमाम जगह जयपुर शहर में जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं
ठेले लगाए जा रहे हैं, स्थायी अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, उन पर कार्रवाई जेडीए करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे वो बारिश का समय हो, चाहे आमजन जब पैदल चलता है तो उन्हें पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं मिलते, तो ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए जेडीए की ये जो कार्रवाई है, 15 दिन का जो प्लान बनाया है, उसके बाद में जेडीए ने कहा है कि हम सरकारी जमीनें जब तक चिन्हित कर रहे हैं सरकारी जमीनें भी खाली करवाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो यूडीएच मंत्री ने जब बैठक ली थी तो बैठक का असर लग रहा है कि अधिकारियों पर हो चुका है, क्योंकि यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि मुझे जयपुर शहर की जनता के लिए विकास के काम कराने हैं और सरकारी जमीनें खाली करके आने वाले भविष्य में राजस्थान की जनता को एक नई योजना दे सके, इस वजह से सरकारी जमीन और अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जी चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार 31 जुलाई तक जेडीए की कार्रवाई जारी रहने वाली है, जिसमें अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है।